तो आज फिर हमारी इस वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बातचीत करेंगे अपनी फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट वीजीए कोड प्रोजेक्ट, इस कोड की जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम फाइल एंड फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फाइल एंड फोल्डर को क्रिएट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो हम बात करने जा रहे हैं अपनी, देखिए इसमें क्या है, कैसे क्रिएट करना है, जिसे समझ लीजिए। बेसिकली क्या है कि मुझे एक डेटा अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करना पड़ता है, डेटा सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो डेटा क्या है, तो डेटा हमारा वो है, कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जब क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर से डेटा डाउनलोड नहीं होता है, फाइल डाउनलोड नहीं होता है, और हमें उसको इस फाइल बताना पड़ता है कि तो इस लोकेशन पे इस फाइल को सिलेक्ट कर दो, तो फिर उस फाइल के अंदर वो डेटा को राइट कर देता है। अच्छा। तो पहले बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि फाइल को डाउनलोड नहीं करते थे, बट एक्सेल फाइल का लिंक आप लोकेशन दे देते थे, तो उस एक्सेल फाइल में जाके डेटा को डाल देते थे। ठीक है जी। तो इसी काम में क्या है कि मुझे जैसे आज का सिस्टम डेट है 12 सितंबर, तो क्या हो कि मेरे ड्राइव में, जैसे कि जी ड्राइव की बात कर ले, 2020 का फोल्डर बने, 2020 में 9th मंथ चल रहा है तो 9th मंथ का फोल्डर बने जी। इस 9th मंथ के फोल्डर के अंदर में आज की जो डेट है उस डेट का फोल्डर बने, उस डेट में आज के डेट का फाइल क्रिएट हो गया, फाइल क्रिएट हो गया डेली बेसिस में हो, और डेली बेसिस में इसी तरह से चेंज हो। तो एफ ड्राइव की बात कर ले, एफ ड्राइव में भी अगर इसी तरह से वर्क करे, ठीक है जी। तो एफ ड्राइव में ही करते, मैं एक मिनट की, 2020 का फोल्डर पहले से है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते। चलिए तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो यहाँ से हम बुक 3 में आते हैं, इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल, यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, के नाम अब इसमें सबसे पहले पता करना होगा कि सिस्टम डेट कैसे पता चलेगा, हमें सिस्टम डेट कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए हमारे, अगर हम एक्सेल में बात करें, एक्सेल में हम आते हैं इसके लिए, एक्सेल में एक यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला होता है, टुडे मतलब कि करेंट सिस्टम डेट, इसमें हमारे पास मंथ का फॉर्मूला होता है, इसमें से मंथ को अलग निकालता है, ईयर का फॉर्मूला होता है जो कि ईयर निकालता है, और डे का फॉर्मूला होता है जो कि डे निकालता है जी। समझ गए? हाँ जी। बट टुडे का फॉर्मूला एक्सेल में सपोर्ट नहीं करता, डेली में सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। कैसे? अगर टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे मतलब देखिए नहीं आ, तो इसके लिए डेट का फंक्शन, वीडियो डेट फंक्शन चलता है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये सपोर्ट करता है, क्यों, जिसे एक्सप्रेशन आ गया सपोर्ट करता है, और डेट ये क्या करेगा, सिस्टम डेट में से ईयर 2020 को अलग कर देगा, लेकिन अलग करके कहाँ रखेगा, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन को हमेशा सेविंग लोकेशन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सेविंग लोकेशन। सेविंग लोकेशन कैसे मिलेगा, वाई क्या है, वाई एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है, जैसे कि एक्स वाई जेड होता है ना मैथमेटिक्स में, सेम उसी तरह से है सर। हाँ जी। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू डेट आ गया हमारा, तो इसमें से डेट में से ईयर को अलग कर लेगा, ऐसे ही मंथ, एम इक्वल टू हम यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला देंगे, डेट को अलग करेंगे, ऐसे ही बी इक्वल टू हम यहाँ डे का फॉर्मूला देंगे और इसमें से डेट डालेंगे, तो हमारे पास सिस्टम डेट से ईयर आ गया, मंथ आ गया, डे आ गया, और ऑटोमेटिकली ये अपने आप को
रिपीट भी कर देगा, अपडेट भी कर देगा। जैसे कल ओपन करूंगा तो डी के ऊपर 13 तारीख 13 से स्टोर होगा, 13 डेट है हमारे कल, इसलिए। अब बात करते हैं फोल्डर कैसे क्रिएट करनी है। याद रखिएगा एम के जी आई आर शॉर्ट फॉर्म है, पूरा पढ़ते हैं मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर। जी एम के डी आई आर क्या है? एक फोल्डर बनाने का काम करते, जैसे वर्कबुक डॉट एड आपने किया था तो एक वर्कबुक बनता था, एमकेडीआईआर करते हैं एक नया फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, नया फोल्डर, हाँ सर फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट होता है। और फोल्डर कहाँ क्रिएट होगा उसका एक आपको लोकेशन देना पड़ेगा, और क्या नाम, 2020। तो 2020 का फोल्डर क्रिएट कर देगा जी, समझ गए? हाँ जी। लेकिन 2020 हमने मैनुअल लिख दिया, लेकिन हमें तो वाई से लेना था ना जी, जी। तो यहाँ हम 2020 को डिलीट करते हैं और इसको हम आपस में कॉन्कैटेनेट करके 2020 कर लेते हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2020 इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अब मुझे 2020 के अंदर मंथ का फोल्डर क्रिएट करना है जी। सर ये आपने जो कोलन लिखे 2020 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एंड डाल के 2020 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब समझ रहे हैं? ये वाई लिखा ना मैंने, ये वाई यहाँ से ले लेगा, दोनों को माइन हो जाएगा तो ये ईयर ले लेगा। जी जैसे कि एक मार्क इससे सिद्ध होता है, एक से 2020 है और दूसरे सेल पे ये डाला हुआ है आपका। अब मुझे दोनों ना पास चाहिए, हम लोग करते हैं इसको सिलेक्ट किए एंड पर चेंज किए, इसको सिलेक्ट कर लिए तो रिजल्ट इस तरह से आ गया। हाँ इसलिए कमेंट में मैंने बता दिया था ना यहाँ पे जी जी, इस तरह का बन जाएगा, एक कमेंट है, ठीक है। अब मुझे 2020 के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जो कि मंथ का होगा, तो इसके बाद एन परसेंट स्लैश दूंगा, फिर एन परसेंट यहाँ पे वाई हो जाएगा, एन मंथ हो गया, एम हो जाएगा, और मरकमा क्लोज करना होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एफ ड्राइव के अंदर 2020 के अंदर नाइन, ठीक है। हाँ जी, अब इसी को हम कॉपी करते हैं नीचे पेस्ट कर देता हूं, अब एन के अंदर मुझे डी का फोल्डर बनाना है जी। तो डी सर यहां पे स्लैश देना पड़ेगा ना पहले, हाँ, और फिर एन परसेंट हम डी करेंगे। ए क्या करेगा, इसमें स्लैश जोड़ेगा और डी लगा, डी मतलब कि नाइन लगा, तो हमारा पहला फोल्डर वन बाय वन चलता है। सबसे पहले क्या करेगा, ईयर मंथ डेट को कैलकुलेट करके अपने पास होल्ड कर लेगा, ठीक है जी जी। फिर 2020 फिर 9 फिर उसके अंदर 12 फोल्डर बना लेगा, 3 फोल्डर वन बाय वन जी जी। अब फोल्डर बन गया है तो उसी फोल्डर में मुझे अपना फाइल क्रिएट करना है। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज, सेव एज, हाँ, और हम पास ले लेते हैं ये जो पास है, लेकिन फोल्डर क्या है, पास सिर्फ फोल्डर तक का है ना, तो एंड परसेंट करके हमें फाइल नेम भी देना पड़ेगा ना जी जी। तो फाइल नेम क्या है, फाइल नेम भी हमारा डी है, डी पे सिर्फ 13 है ना, मुझे इनसे तो एक्सटेंशन भी चाहिए होगा ना सर, हाँ हाँ, तो हमने एक्सटेंशन भी ऐड कर दिया। तो अगर हम बात करें जो पूरा ज्वाइन होगा तो क्या होगा, देखिए ये आ गया, इसमें स्लैश लगाएगा, लिखेगा 12 डॉट एक्सेलेंस एड, समझे जी जी। डाउट इसमें नवीन जी, कोई डाउट इसमें नहीं, नहीं सर कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब वर्कबुक ऐड हो गया तो मुझे वर्कबुक को क्लोज भी करना है जी, तो डेटा राइट करेगा बना रिकॉर्डिंग में रह जाएगा ना, हाँ। वर्कबुक, अब वर्कबुक में हम पता है ना एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करना है, क्योंकि जो सेव हुआ है ओपन हुआ है वही एक्टिव होगा क्या सर? लेकिन आपने वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज लिख दिया, तो वो खाली फाइल को क्रिएट कर देगा, फाइल को ओपन तो करेगा नहीं ना? नहीं करेगा, करेगा ऐड हो गया तो ओपन करेगा सर। अच्छा, ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा वो जी, जी ठीक, समझ में आ गया? हाँ जी।
अब इसमें ए मार्क तो एक बार चल जाएगा, सेकेंड टाइम नहीं चलेगा। अच्छा क्यों नहीं चलेगा मैं बताता हूँ, मैं इसको एक बार एसेट करके रन करता हूँ वन बाय वन। देखिएगा इसमें देखिए ईयर में 2020 कैलकुलेट कर लिया, मंथ में इसे 9 कर लिया, देख रहे आपको सर 12 कर लिया। हाँ। इसने फोल्डर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसमें 2020 का फोल्डर आ गया, 2020 का फोल्डर। हाँ। फिर इसने 2020 के अंदर 9 का फोल्डर बना दिया, बना दिया। फिर इसने 9 के अंदर जो है इसने 12 का फोल्डर क्रिएट कर दिया। जी जी। अब देखिए इसने फाइल को ओपन दे रहा है, अभी देखिए इसने फाइल ऐड किया, देखिए आपका ओपन है ना, बार में ओपन। हाँ। तो ओपन भी करता है। अब चलिए अब इसको हम करते हैं क्लोज, तो इसने क्लोज क्लोज कर दिया। हाँ कर दिया। नेक्स्ट टाइम में अगले दिन जब मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, कि चलेगा सही है लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा ये दिखाएगा फाइल पास पाथ ऑफ फाइल एक्सेस एरर। क्यों दिखा रहा है दूसरे दिन, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल उसमें रखी है वैसे ही। नहीं फाइल नहीं, फोल्डर फोल्डर रखा हुआ, एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है वहां पर। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 2020 का फोल्डर साल में एक बार बनेगा। जी जी। महीने का फोल्डर महीने एक बार बनेगा। तो कैसे करें इसको हम, तो हमारे पास एक कोड होता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, वो क्या करता है जिस लाइन में एरर होगा उसको स्किप कर देगा, स्किप कर देगा, कर दिया ना सर। जी जी। तो ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा। जी जी। ऐसा लग रहा है आपको कि आपके डेटा में एरर है, तो एरर आपका जेन्युइन है, एक तो एरर वाले भी कोड का एरर है तो उसको सही करना पड़ेगा, वरना ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट तो आपको काम ही नहीं करेगा वो। जी जी। एक होता है कि जेन्युइन एरर है, ये हमारे ऐसी सिचुएशन में मिल रही थे एरर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस काम को नहीं करना है। जैसे कि अभी है कि फोल्डर ऑलरेडी बना होता है, हमें फोल्डर नहीं क्रिएट करना है। फोल्डर बना हो तो एरर देगा, तो उस समय हमें काम को नहीं करना है। That time हम यूज करेंगे on error रिज्यूम next। अब आप क्या कीजिए, अब इस माइक्रो को रेफरेंस में लीजिए, अब इसे छोटी छोटी चेंजिंग कीजिए, मंथ 9 है ना, सेप्टेम्बर आना चाहिए, ठीक है, एक नहीं दो फाइल एड होनी चाहिए। जी जी। ठीक है, फाइल का नाम थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इसी में थोड़ी बहुत एडिशन आप करें और करते मिलेंगे, ठीक है। समझा नहीं सर, आपने क्या कहा सर, कहने मतलब है कि इसी एक कोड तो मैंने बता दिया ना, इसी कोड में थोड़ी बहुत चेंजिंग करें आप। अच्छा, जैसे कि एक में दो फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए, एक में दो फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, मंथ का नेम डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बहुत चेंजिंग। तो सर जी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल मुझे अगर नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी हो, मतलब सब सारा का सारा कोड यही रहे, फोल्डर क्रिएट करे 2020, उसके बाद में 9 मंथ करे, उसके बाद में 9th जो 12th ऑफ सितंबर जो भी है, तो 12th के बाद है वो नेक्स्ट डे में 13th कर दे, तो उसके लिए नया कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये कोड चलेगा, हमने सिस्टम देते हैं, तो 13 दिख रहा है आपको, सिस्टम देते लिया है ना। हाँ, तो जब कल ओपन करूंगा तो मेरा सिस्टम जिसका होगा 13 होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर 13 स्टोर करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ 13 आएगा। हाँ, तो उसको दूसरे दिन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब दूसरे दिन ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा ना वो। जी हाँ, अब इस कोड में कुछ नहीं करना है, बस उसको रन कर देना। इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली, तो ये रन करके जो कल की फाइल है उसको एज इट इज रखेगा कि उसको डिलीट मार देगा। नहीं, कल की फाइल को जैसा वैसा रखेंगे, तो रिवीजन करने का कोड तो नहीं दिया ना इसमें। अच्छा अच्छा, तो सर जी मैं क्या पूछ रहा था कि मतलब जैसे कि हम लोगों ने लिखे workbooks.add.save as, फिर हम लोगों ने पाथ दे दिए, तो ये पाथ हम लोगों ने जो दे दिए हैं इसके ऊपर जो mkdir वाला जो लिखे हम लोगों ने 3 कोड, वो लिखना जरूरी है कि सीधे बस खाली इतना लिख दो बस हो गया? नहीं, mkdir आपको 3 फाइलें बनानी है तो आपको 3 वर्कबुक ऐड डालना पड़ेगा ना, जितने फोल्डर बनाना है उतने लाइन आपको लिखने पड़ेगा। हाँ,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, MKDIR फर्स्ट वाला जो 2020 का फोल्डर बना रहा है, MKDIR सेकंड वाला जो 2020 में नाइन्थ मंथ का फोल्डर बना रहा है, और थर्ड वाले में फोल्डर के साथ में उसमें 12th का भी फोल्डर बना रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब ये थर्ड लाइन के मतलब तीन लाइन के बजाय ऊपर की दो लाइन अगर मैं डिलीट करता हूँ और नीचे की थर्ड लाइन ही रखता हूँ जिसमें वो 12th नाम का फोल्डर भी बना रहा है, तो खाली तो ये काम करेगा? हाँ जी, एक बार में एक ही फोल्डर बनाएगा, जो लास्ट वाला होगा ना इसी फोल्डर में सेव करेगा। अच्छा, समझ गया ना? ऐसा नहीं है कि आपने फाइल के पाथ का नेम दे दिया, फाइल पाथ नेम दे दिया तो आपको पूरा बना देगा, ये बात नहीं है। एक बार में एक ही बनाएगा। तो ये तीन बार लिखने का मतलब है कि वो बार बार ऐसी उसमें क्रिएट करता रहे? जी हाँ जी हाँ, इसका मैंने कहता है कि जो लास्ट वाला 2020 लास्ट में है तो 2020 बनाऊंगा, इसमें 9 लास्ट में है तो 2009 लगा लगाऊंगा, 12 लास्ट में 12 बनाऊंगा, इससे पहले का जो फोल्डर है ये होना चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट बोल दिए, तो जब कोड रन करेगा तो वो MKDI मतलब यहाँ पर आ जाएगा तो MKDI को स्किप कर देगा वो 2020। MKDI नहीं, इससे नीचे जो भी कोड में एरर आएगा उस कोड को स्किप कर देगा। हाँ, तो मतलब जब वो ये YMD क्लिक करेगा उसके बाद में जब एरर्स को दिखा देगा तो 2020 को स्किप कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो वो 9th में जाएगा, 9th में वो डे का, तो मतलब जैसे हमने डी इज इक्वल टू डेट लिख दिए तो वो करंट डेट यानी कल के दिन में वो ऑटोमेटिकली नया 13 का फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, ठीक है ना जी? जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली ट्रेनिंग कीजिए और करके मुझे दे दीजिए। हम अगले क्लास में मंडे बात करेंगे सीट इवेंट के बारे में। जी, ईमेल के बारे में, सीट इवेंट, सीट के ऊपर हमने चार पढ़े थे ना, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, वर्कबुक, सीट और ईमेल। तो वर्कबुक तो कर लिया हमने, अब सीट के बारे में। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखे वर्कबुक सीखे, अभी शीट और रेंज के बारे में देखना है, ठीक है ना? जी, तो नेक्स्ट क्लास सीधे मंडे होगी ना सर जी? जी हाँ।